मैं नौसेना के वीर अस्पताल में अपने बेजान पैरों के साथ बेहोश लेटा रहता था, जहां मुझे उड़ान भरने के ख्वाब दिखाई देने लगे। कब रिलीज होने जा रही है अवतार 2? 1999 में मूवी स्क्रिप्ट के साथ रेडी होने के बावजूद भी कैमरून ने क्यों मूवी को इतना टाइम दिया? कैमरून को कब महसूस हुआ कि टेक्नोलॉजी अब उनकी विजन को सक्सेसफुल कर सकती है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग ग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, एक ऐसी मूवी के सीक्वल के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका फर्स्ट पार्ट पूरी दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाला है और इस वक्त वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है, यानी कि अवतार। और अब अवतार 2 की बात करेंगे जो कि जल्दी आने वाली है। अवतार मूवी की बात करें तो वो मूवी सिर्फ और सिर्फ 40% लाइव एक्शन मूवी थी और बाकी 60% मूवी पूरी तरह से CGI इफेक्ट से तैयार की गई थी और मूवी में एक बिल्कुल नई लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया था। वो लैंग्वेज थी नावी लैंग्वेज। नावी काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लैंग्वेज लग रही थी, जो कि वो थी भी। उसको बनाने के लिए लिंग्विस्ट डॉक्टर पॉल आर फ्रॉमर को बनाया गया था और जिन्हें एक टास्क दिया गया था जेम्स गैमरून द्वारा। जेम्स ने ये टास्क उन्हें सौंपा था कि वो एक नई लैंग्वेज बनाए जिससे ह्यूमंस इजीली प्रोनाउंस कर सके और वो दुनिया की किसी भी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज की तरह ना हो, सबसे अलग हो। फ्रॉमर ने नावी लैंग्वेज के लिए पूरे 1000 वर्ड्स बनाए थे। जेम्स कैमरून इस मूवी को 1999 में ही कंप्लीट रिलीज करने वाले थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये मूवी आधे से ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट्स से तैयार की गई मूवी है और उस समय इन सभी इफ़ेक्ट्स की कीमत लगाई जा रही थी $400 मिलियन और उसके बावजूद भी कैमरून की विज़न इस मूवी को लेकर सेटिस्फाई नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने इंतज़ार करा और उन्होंने बेहतर समझा कि थोड़ा टाइम और दिया जाए इस फिल्म को। डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने काफ़ी लंबे समय तक पेशेंस रखा। जब उन्होंने लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स मूवी में गोलम देखा तो तब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अब वो तैयार है। मूवी का CGI सीन्स इतने ज़्यादा शानदार और हैवी सीन्स थे कि कुछ सीन्स के लिए पूरे 45 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता था रेंडर होने में, यानी कि एक हफ्ते से भी ज़्यादा मेहनत लगती थी सिर्फ एक सीन को तैयार करने में, जिस वजह से इस फिल्म को पूरे 4 साल का लंबा समय लग गया बनने में। जेम्स कैमरून ने मूवी के CGI के साथ साथ मूवी के एक्चुअल फिल्मिंग को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया और अपने एक्टर्स को एक एक्चुअल फील देने के लिए जेम्स ने कास्ट के साथ काफ़ी समय हवाई में बिताया ताकि वो ट्राइब्स और फॉरेस्ट्री के बारे में और भी ज़्यादा जान सके। और इतनी मेहनत के बाद अवतार बनी थी दोस्तों, तो इतनी मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में जो कि वर्ल्ड वाइड इतनी सुपर हिट होती है। तो दोस्तों, आपका अवतार के बारे में क्या कहना है, इसके स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में कितना इंतज़ार है अवतार 2 का, ज़रूर बताइएगा। और इस बार माल होने वाला है इस फिल्म में, क्योंकि
क्योंकि काफ़ी स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे और अगले साल तक ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी। तो आपको कितना वेट है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल मौलिक राज स्टूडियोज़ को।